हेलो। तो क्या हाल है सारा का? सारे ठीक हो? और आज मैं वीडियो डाल रही हूँ गुलगुले बनाने की, क्योंकि मेरा मन करा था खाने, तो मैं सोची बनाऊँ तो हूँ ही, साथ के साथ ब्लॉग भी बन जाएगा। तो मैंने पूरा ब्लॉग ले लिया इसका, और जिन्हें ना बनाने आते होंगे बस सीख भी लेंगे। और ऐसा तो होना इसका किसी ने ना खाए हो, हर किसी ने खाए होंगे ये, तो रेसिपी भी ले लो कि किस तरह बनाया। तो मैंने ये पानी ले लिया और इसमें मैं घोल लूंगी चीनी। गुड़ भी आप रख सको हो, जिस तरह गर्म करके पानी ना उसमें गुड़ रख दो। बाकी मैंने तो चीनी ही घोली है। तो थोड़ी देर घोलने के बाद इसमें थोड़ी सी मैं सौंफ मिला दूंगी। सौंफ मिलाने से अच्छी महक हो जाए और खाने में बड़ा टेस्टी लगेगा, टेस्ट अलग हो जाए इसका। और ये मैंने आटा मिला दिया गेहूं का, मेरे तो पतला बन गया था, पर फिर मैंने थोड़ा सा और आटा मैं डाल दिया था तो सही है। ज्यादा पतला भी ना बनाओ, ऐसा बनाओ कि हाथ तो छूटे तो आराम तो छूटे, यूं नहीं कि पानी की दाल गिर जावे। तो मैंने सारा आटा इसमें मिला लिया। और हाँ, काफी देर तक इसने यूं ही मसलते रहो, क्योंकि गांठ बन जावे है और फिर वो कच्चा रह जावे चून। और हाँ, आप ये रई हुआ है उससे भी मिक्स कर सको इसने, उससे भी अच्छे डाल हो जाएगा। बाकी मैं तो हाथ ही कर लूँ, ज़्यादा बेटर था, तो कर लिया। और सारा अच्छे डाल हो गया मिक्स। मैं चूल्हे पे बनाऊँ क्योंकि सर्दी का मौसम है, और सर्दी में कौन गैस के चक्कर काटते फिरेगा। अपने धूप भी सेकोगे, आग भी सेकोगे सही, और काम भी बन जाएगा। तो मैं भाई तैयारी पूरी कर ली है, ये बस तलने तलने रह रहे हैं, वो भी मैं काम शुरू कर दूं हूँ। अच्छी तरह ध्यान लगा कर देख लियो और बहुत अच्छे बनेंगे, बना कर भी जरूर देखियो। मेरी यह रेसिपी मैंने नहीं शेयर करी है कि जिन्हें ना खाए हैं वह भी ट्राई करके अपने घर में बना सके हैं ये खुद तय। तो पूरी वीडियो ने एंड तक देखियो, और अगर तुम मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर करके जाइयो, और लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो वीडियो ने। बहुत परेशानी हो है जब वीडियो बनावा है, एक वीडियो बनाने खातर बहुत टाइम लग जाए। यह वीडियो तो 2-3 घंटा की थी, पर मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग करके छोटी कर दी, नहीं तो हम बोर हो जाते। गुलगुले बनाते बनाते मेरे तो पसीने छूट गए थे, क्योंकि धूप इतनी ज्यादा तेज थी बहुत, और बर्दाश्त ना हो रही थी। फिर भी मैंने कर ली, मगाज तो खाने हैं, मन में आओ वो कर लेना चाहिए। और खास करके खाने की इच्छा हो तो कदे मारनी नहीं चाहिए, कर देना चाहिए काम सीधा। सर्दी में चाय का साथ भी खास को, मैं तो चाय का साथ भी खा ले हूँ, अकेले भी खा ले हूँ, मेरा तो सब तरीका तो सही है, बस पेट भरना चाहिए। तो ठीक है, तुम देखो पूरी वीडियो, मैं जब तक चुप हो जाऊँ हूँ ना, फिर तुम ज़्यादा बोर हो जाओगे। साया देख कर डरियो ना, कोई भूत ना है, ये मेरा देवर था, इसने मेरी बहुत हेल्प करी है काम करवाने में। और जितनी भी थी मेरी, जितनी भी वीडियो बनी है या कंप्लीट, इसने बार बार चलाना बंद करना सारा कुछ, तो पूरा फुल सपोर्ट कराया है। बदले में गुलगुले भी तो मिले हैं। तो भाई आजमा का जरूर देखियो एक बार, और सौंफ डाल के देखियो, अगर थारी इच्छा हो तो इलायची भी डाल सको हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आवे है। सबका अपना अलग तरीका हुआ है, किससे डाल बना लियो, स्वाद तो ये बनाएंगे।